राजस्थान के छीपा बड़ोद से उपखंड के ग्रामीण बिलेडी के ग्रामीण मिले जल साधन मंत्री से। बारा जिले के ग्रार बिलेड की संपूर्ण भूमि डूब क्षेत्र में आ चुका है। 50% लोग भूमिहीन है। गांव में चारों ओर पानी भर जाने पर होगी लोगों के आवागमन में दिक्कत। गांव के डूब नहीं जाने से मकानों में मुआवजा नहीं मिलेगा। राजस्थान से जितेंद्र कुशवा की रिपोर्ट। हमारा गाँव जंगल में बसा हुआ है, डूब क्षेत्र में आ रहा है, तो गाँव में 32 घर को आबादी में ले लिया सरकार ने और बाकी 70 घरों को छोड़ दिया है, तो उनका 70 घरों का मुआवजा नहीं दे रही सरकार हमें। और हमारे पास 70 साल पुराना पट्टा है हमारे गांव में और सरकार उस पट्टे को नहीं देख रही है और हमें मुआवजा नहीं दे रही। मनचाहे लोगों को दे रही है, मनचाहे लोगों को दे रही है, तानाशाही कर रही है। सरकार के जो अधिकारी है भ्रष्ट, इन्होंने सर्वे भी अच्छा नहीं किया। इन्होंने जो कच्चा मकान है उनके पैसे बहुत ही कम लगा दिए, जो पक्का है उनके बहुत ही ज्यादा लगा दिए। मुआवजा सर्वे अच्छा नहीं किया। आज इसके लिए आप मंत्री जी से मिले हो तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? क्या उन्होंने आश्वासन दिया कि हर आदमी को हर घर को पैसा दिलाने का मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। विधायक साहब करण सिंह जी ने भी बोला है कि हम मुख्यमंत्री जी के पास जाके आपकी सारी समस्या का समाधान करवाएंगे। खबर है राजस्थान डीग भरतपुर से। डीग क्षेत्र में देर रात से धीमी बारिश हो रही है। जिले के डीग नदभई नगर पर क्षेत्र में बारिश के साथ ओलवृष्टि, मौसम में बड़ी ठंडक। किसानों की बिगड़ी फसल हुई तबाह। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल पर हुआ। मुआवजे के लिए किसानों ने किया एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। एसडीएम ने दिया गिरदावरी दिलाने का आश्वासन। किसान क्रेडिट कार्ड माफ करने का भी हुआ था सरकार की तरफ से वादा, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। राजस्थान से मुकेश जागड़ की रिपोर्ट। खबर है राजस्थान से। डेवली टोप में एसडीएम ने आरटीएस और रिजर्व बटालियन में लगाई निषेधाज्ञा। एसडीएम और इंस्टेंट कमांडर भारत भूषण गोयल ने की घोषणा। सीआईएफएस आरटीएस और बटालियन छठवीं और नौवीं में लगी निषेधाज्ञा। बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में आ जा नहीं सकता। अन्य व्यक्तियों के आगमन पर पूरी तरह से लगा पाबंद। राजस्थान से मनीष पागड़ी की रिपोर्ट। खबर है किशनगढ़ अजमेर थाने की। देर रात बांदर सिंधारी थाने के सामने नोकबंदी पॉइंट पर वरना कार हुई बेकाबू। पुलिस जवान को कुचल भागने की कोशिश। कांस्टेबल सूर्य प्रकाश गुंजर की मौके पर हुई मौत। गाड़ी को दबोच सवार दोनों व्यक्ति को किए गिरफ्तार। थाना प्रभारी मंजू मुलेवा ने मौके पर पहुंचकर मृतक कांस्टेबल के शव को पहुंचाया अस्पताल। कांस्टेबल के शव को अस्पताल से थाना परिसर तक राजकीय सम्मान के साथ लाया गया। गांव में शोक की लहर। कई अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। जिला पुलिस कप्तान ने अर्पित किए पुष्प। किशनगढ़ अजमेर से सुमेर पारिक की रिपोर्ट। खबर है राजस्थान से। देवली टोक में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उठाए कदम। पुलिस और प्रशासन ने निकाला पैदल मार्च। उपखंड मजिस्ट्रेट इंस्टेंट कमांडर भारत भूषण गोयल की अगुवाई में हुआ ये मार्च, जहां दल मुख बाजार, मीरा सर्कल, आवा रोड, नई कॉलोनी से होकर गुजरा। वहीं लोगों को संक्रमण के मद्देनजर रखते मास्क पहने, दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की। राजस्थान से मनीष पागड़ी की रिपोर्ट।